मैं मानता हूं देश की आजादी के बाद कोई ऐसा आंदोलन नहीं होगा इतना लंबा, शांतिपूर्ण पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, लगभग 14 किलोमीटर लंबा सिंघू बॉर्डर पे पहली ट्रैक्टर ट्रॉली से आखिरी ट्रैक्टर ट्रॉली तक आज भी हजारों की संख्या में बैठे हैं। बेरोजगारी में नंबर वन बन गया है खट्टर साहब की सरकार में, अपराध में नंबर वन बन गया खट्टर साहब की सरकार में। हरियाणा जो सबसे ज्यादा निवेश होता था जिस हरियाणा में, आज उस हरियाणा का की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। पंजाब के अंदर अगर नगर निगम के चुनाव हुए, पंजाब में बीजेपी को साफ कर दिया, हर शहर में बीजेपी को साफ कर दिया। मैं धन्यवाद करता हूं पंजाब के मतदाता का, क्योंकि पंजाब के शहर के मतदाता ने दिखा दिया कि अकेला नहीं है अन्नदाता, साथ में है पंजाब का शहर का मतदाता। ये पंजाब ने दिखाने का काम किया, मैं पंजाब के मतदाता का धन्यवाद करता हूं। तेरी बर्बादी के चर्चे हैं आसमानों में, नहीं संभलेगा तो मिट जाएगा, दास्तां भी नहीं होगी दास्तानों में। शांतिपूर्ण इस संघर्ष में, अनुशासित इस संघर्ष में, जो संघर्ष जिसने केवल हिंदुस्तान नहीं, जिसकी गूंज पूरी दुनिया के कोने कोने में सुनाई दी, मगर दिल्ली के संसद में सुनाई नहीं दी, क्योंकि तो इस संघर्ष में हम पूरी तरीके से जो है भाई मन आत्मा से पूरी तरीके से हम अपने किसान के, हम छत्तीसगढ़ आदि मिलकर ये प्रस्ताव पारित करते हैं कि हम किसान के साथ हैं। आज जो हम यहाँ बैठे हैं इस पंचायत में पुरखास गांव में, तो हमारे सबके दिलों में टीस है। हम शारीरिक रूप से यहाँ जरूर हैं, मगर हमारा जी जो है वो उस बॉर्डर पे है जहाँ पे पिछले 3 महीने से कड़ाके की ठंड, 50 साल की का ठंड का रिकॉर्ड टूटा इस बार, मगर कड़ाके की ठंड में पिछले तीन महीने से लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे वो शाहजहांपुर बॉर्डर हो, क्योंकि मैं सारे बॉर्डर्स पे गया हूँ, कई कई बार गया हूँ, चाहे शाहजहांपुर बॉर्डर हो जो राजस्थान बॉर्डर है, वहाँ पे हमारे सारे बड़े बुजुर्ग हमारे भाई बैठे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। और मैं नमन करता हूँ, मैं आज देश के किसान को नमन करता हूँ। इतना लंबा संघर्ष, मैं मानता हूँ देश की आज़ादी के बाद कोई ऐसा आंदोलन नहीं होगा इतना लंबा, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। 225 शव इन धर्मों से अपने अपने गांव में लौट चुके हैं। आदमी विचलित हो जाता है जब कोई डेड बॉडी दिखाई देती है, मगर इन्होंने अपना संयम नहीं खोया, इन्होंने अपना अनुशासन नहीं तोड़ा। 225 शव यहां से लौट चुके हैं। सोनीपत के कई गांव के अंदर हम होके आए, पूरे हरियाणा के एक गांव के अंदर गए, जैसे कहा कि उनकी कोई आंसू पोंछने के लिए भी, कोई सरकार का की पीएन की भी जिम्मेदारी उनके आंसू पोंछने की नहीं लगी। तब चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने फैसला किया कि सारे विधायक मिलकर अपने निजी जो है खुद की जेब से, क्योंकि सरकारी फंड पे बैन लग गया, तो खुद की जेब से सभी परिवारों में 2-2 लाख रुपए की जो है उनको आर्थिक मदद करेंगे। और जब कभी सरकार आएगी तो जैसे कंडेला के अंदर चौटाला राज में 1 दर्जन किसानों को गोली से भूनने का काम हुआ था, उस समय की सरकार भी घमंड में थी, उस समय भी आंदोलन हुआ था। जब हमारी सरकार बनी तो सरकार बनते ही वो सभी परिवारों को रोजगार और शहीद का दर्जा दिलवाने का काम हुआ था। जैसे जिस दिन हुड्डा साहब ने शपथ ली, उसी तरीके से जब आपकी सरकार बनेगी, जो 225 परिवार हैं, इन परिवारों को वही नीति लागू करेंगे, सारे परिवारों में रोजगार देने का भी काम करेंगे और पूरी तरीके से मदद दिलाने का काम करेंगे। मगर मुझे टीस है इस बात की, मुझे दुख इस बात का है, मैं अपने काकाताऊओं के बीच में एक आपका बेटा होने के नाते बात मैं कहना चाहता हूं, एक किसान मजदूर का बेटा होने के नाते मैं बातें कहना चाहता हूं, और देश के नौजवान के रूप में भी। राजनीति बात बाद में। टीस इस बात की है कि जब देश की संसद चली तो देश की संसद में मैंने देखा, कई बार मैंने वहां पे बात करी, कोशिश करी ईमानदारी से बात रखूं, सरकार के सामने किसान की बात रखूं, और कम से कम मैंने आखिर में हाथ जोड़ के भी
सरकार से प्रार्थना करी कि सुध ली जाए, ये प्रजा आपकी। अपनी प्रजा की बात मानने से कोई छोटा नहीं होता, अपनी प्रजा की बात मानने से किसी राजा की हार नहीं होती। आप ये राजहट और जो जिद और ये अड़ियल रवैया आप अपना रहे हैं, अपनी प्रजा की आप बात मानो। मैंने हाथ जोड़ के कहा कि कम से कम कुछ सहानुभूति के दो शब्द इस संसद से जाने चाहिए। ये जो 225 जो हमारे किसान जिनकी जाने कुर्बान हुई है, मैंने इनके सबके नाम संसद के अंदर दर्ज कराए और कहा कि एक सहानुभूति के सरकार की तरफ से दो शब्द जाने चाहिए। राहुल गांधी जी ने जब कांग्रेस पार्टी की बात आई तो 2 मिनट का मौन रखवाने के लिए आग्रह किया, मगर दुख की बात है कि उस समय भी जो सत्ता दल है उनकी तरफ से हंसी की आवाज आई, उनकी तरफ से मजाक की बात आई। और हमारे यहाँ हरियाणा के जो कृषि प्रधान प्रदेश है उसके कृषि मंत्री दलाल साहब का तो आपने वीडियो देखा होगा, जेपी दलाल जी का, मैं उस वीडियो को जिक्र करके दोबारा से आपके जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात नहीं करना चाहता, आपके हमारे सबके जख्मों पे, मगर जिस तरीके से घमंड में, जिस अहंकार से, टी से दिल में इस बात की कि 200 आदमी मर गए मगर सरकार को परवाह नहीं, अरे किसान के नाते नहीं तो इंसान के नाते, मैंने अपने जीवन में ऐसा आंदोलन नहीं देखा है इतना। और ये बात जो मैंने संसद में कही थी मैं दोहराना चाहता हूं, ये 3 महीने से बैठे हैं मेरे इलाके में, बैठे हैं सिंगू बॉर्डर पे, टिगरी बॉर्डर पे, आज भी 17 किलोमीटर लंबा टिगरी बॉर्डर में पहले ट्रैक्टर ट्रॉली से आखिरी ट्रैक्टर ट्रॉली तक, लगभग 14 किलोमीटर लंबा सिंगू बॉर्डर पे पहली ट्रैक्टर ट्रॉली से आखिरी ट्रैक्टर ट्रॉली तक आज भी हजारों की संख्या में बैठे हैं। आपने इस आंदोलन को अलग रंग में रंगने के लिए, इस आंदोलन को विफल करने के लिए जो आपने जिस तरीके के साजिश और षड्यंत्र रचे, कहा कि ये आतंकवादी, अलगाववादी, माओवादी, खालिस्तानी, कांग्रेसी, जो शब्द आप कह सकते थे आपने कहा, उपद्रवी। मैं ये क्योंकि मेरे इलाके में है, मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं जो उपद्रवी बताया, 3 महीने से बैठे हैं लाखों की तादाद में, 225 शब्द वापस आ गए, मगर एक पुलिस चौकी में, राय की पुलिस चौकी में या भादौड़ की पुलिस चौकी में एक कोई कंप्लेंट आई हो, किसी की मूंगफली का एक मूंगफली भी किसी रेडी वाले से छीनने की कोई पुलिस चौकी में कंप्लेंट आई हो, किसी का एक केला भी छीनने की कंप्लेंट आई हो, एक कंप्लेंट किसी से ऊंची आवाज में बोलने की भी कंप्लेंट आई हो, तो हम मान लेंगे कि भाई ये जो आप बात कह रहे हो सारी की सारी बात ठीक है। इतनी बड़ी अग्नि परीक्षा देश के किसान ने दी है और दे रहे हैं, मगर आपने उस अग्नि परीक्षा को देशद्रोही बता दिया। आपने ऐसे ऐसे परिवार हैं, छारा गांव में एक परिवार है, मैं एक हफ्ते पहले होके आया, उसके करमवीर नाम था जिनकी डेथ हुई है, करमवीर की जिनकी डेथ हुई, उसके दादा भी फौज में थे, उसके पिता भी फौज में थे और ईब भी उसका लड़का पाकिस्तान बॉर्डर पे फौज में, और आप उसको देशद्रोही बताओगे तो जो लड़का वहां पे फौज में खड़ा है वो फिर क्या होगा। कितना जो है इसको केवल आंदोलन को किस तरीके से शाड़ी षड्यंत्र के साथ आवाज कुछ ली जाए, किसान की आवाज कुछ ली जाए, इसके कैसे कैसे प्रयास किए गए सरकार से, बहुत दिल में टीस है। एक किसान के बेटे होने के नाते और एक देश के नागरिक होने के नाते टीस है कि इतनी कुर्बानी दे दी गई हो मगर सरकार टस से मस नहीं हुई, सरकार के जो है जो बिल्कुल कानों पे जू तक नहीं रहेंगी, दुख है। मगर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, किसान से, मजदूर से, ये अहंकार है, ऐसा अहंकार कभी कहीं नहीं देखा गया, घमंड और अहंकार, घमंड तो इस देश में बड़ों बड़ों का चकनाचूर हुआ है, हमारे इतिहास में घमंड बड़ों बड़ों का चकनाचूर हुआ है, इनके घमंड को भी चकनाचूर आपको हमको सबको मिलके एक संकल्प लेना है कि अगर ये घमंड इस तरीके से, ये अहंकार और घमंड में ये रहते तो इस घमंड को भी चकनाचूर करने का काम आपको और हमको मिलकर करना है, मगर उसके लिए एकजुटता, किसान की, मजदूर की, आपस में हमारी सबकी एकजुटता से एक होना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझोगे अभी भी, अगर आप नहीं समझोगे
तो आगे आने वाला समय अगली पीढ़ी हमको और आपको माफ नहीं करेगी। अगर एक होके हमने लड़ाई नहीं लड़ी, अगर एक होके किसान की मजदूर की आवाज में ताकत नहीं पैदा करी कि इतनी ताकत कि दिल्ली के अंदर, क्योंकि मुझे इस बात का दुख इसलिए है, मैं आपसे इसीलिए बता रहा हूं, हरियाणा के 15 सांसद हैं, 14 बीजेपी के, इन्होंने इंतजाम तो मुझे भी वहां से रोकने का कर दिया था आपको पता है लोकसभा के अंदर, मगर आपके आशीर्वाद से आपने विधायक जिताए और कम से कम वहां पे एक रास्ता इन्होंने साजिश से और षड्यंत्रों से एक रास्ते पे इन्होंने रोक लगाई, तो दूसरे रास्ते से आपने वहां पे आपके आशीर्वाद से भेजने का मेरे को काम किया। मगर वहां पे जब मैं देखता हूं मुझे दुख होता है कि इतने किसान की आवाज वहां तक, किसान की मजदूर की आवाज में ताकत इतनी होनी चाहिए थी कि एक चिल्ली आती, एक चीख निकलती एक किसान के परिवार से तो वो देश की संसद हिल जाती, ताकत आपकी आवाज में इतनी होनी चाहिए थी। मगर इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई इसको जो है, चाहे छोटू राम ने एक बात कही थी, उन्होंने कई बातें कही थी, मगर एक बात उन्होंने ये भी कही थी और आज वो बात दोबारा से, वो समय हमारे सामने आया है, तेरी बर्बादी के चर्चे हैं आसमानों में, नहीं संभलेगा तो मिट जाएगा, दास्तां भी नहीं होगी दास्तानों में, समझने की जरूरत है और एक होने की जरूरत है। अगर किसान मजदूर एक नहीं हुआ, एक होकर लड़ाई नहीं लड़ी, अपनी आवाज में ताकत नहीं पैदा करी, तो आने वाला समय ऐसा समय आएगा कि सड़क पे तो किसान पिटेगा और मंडी में किसान की फसल पटेगी। मैं आपके बेटे होने के नाते अपने दिल में जो दर्द है वो आपके बीच में कहना चाहता हूं। आज राजनीतिक तौर पे बहुत बातें हम कह सकते हैं, हरियाणा सरकार के बारे में कह सकते हैं, मगर कहने की जरूरत नहीं है। ये हरियाणा सरकार, मैं आपसे पूछता हूं, इस हरियाणा सरकार के बारे में कुछ बात कहने की रह रही है कि नहीं रह रही, मैं आपसे पूछता रह रही, कुछ बची भी है बात कहने की। इन्होंने हरियाणा को देश में बेरोजगारी में नंबर वन पर बनाया, हमने वोट लिया, देश को अपराध में नंबर वन बना दिया। अभी सड़क स्थल से मैं आ रहा हूं, वहां आपने देखा कैसे पूरे के पूरे परिवार को रोहतक में 3 दिन में 3 फायरिंग 3 शूटिंग के केस, बेरोजगारी में नंबर वन बन गया खट्टर साहब की सरकार में, अपराध में नंबर वन बन गया खट्टर साहब की सरकार में। हरियाणा जो सबसे ज्यादा निवेश होता था जिस हरियाणा में, आज उस हरियाणा का की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई और अब किसान विरोध में देश में नंबर एक बन गया हरियाणा। पंजाब से किसान चला था शांति प्रिय तरीके से दिल्ली रामलीला ग्राउंड में बैठने, हरियाणा में रुकने का कोई किसान का प्लान नहीं था, हरियाणा में रुकने के लिए नहीं चला था। मैं आपको याद दिलाता हूं, उसी रामलीला ग्राउंड में बैठना चाहता था जिस रामलीला ग्राउंड में देश की सारी राजनीतिक पार्टियां रैलियां करती हैं। इन 3 बिलों के हकों में बीजेपी ने भी पीछे रैली करी जिस रामलीला ग्राउंड में, जिस रामलीला ग्राउंड में देश के इतिहास में बड़ी बड़ी सरकारों के खिलाफ धरने दिए गए, इंदिरा गांधी जी की सरकार के खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने धरना दिया, तो यूपीए सरकार के खिलाफ अन्ना आंदोलन रामलीला ग्राउंड में चला, वो देश का ग्राउंड है, वहां पे जाके धरना देना चाहते थे किसान। मगर जैसे ही पंजाब से हरियाणा में आए, हरियाणा सरकार का कुछ लेना था ना देना था, मगर हरियाणा सरकार ने कहीं लठ बरसाए, कहीं आंसू गैस छोले, कहीं कड़ाके की ठंड में वाटर कैनन की बौछारें करी और कहीं सड़क को खोदने का काम किया। सड़क खोदी थी कि नहीं खोदी थी, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। तो ये सड़क खोदने का काम किया, ऐसे भी हमने तो अब ये किसान विरोध में भी किसान की आवाज कैसी कुचली जाए उसमें भी हरियाणा सरकार देश में सबसे आगे, जो इन्होंने स्वर्ण पदक लेने का काम किया है। तो ऐसी सरकार और इसका इनकी सरकार के कारनामों से आपको और हमको मिलकर एकजुटता के साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, मैंने जो बात की बड़ी गहरी, ऐसे लोग हैं, इन्होंने बड़ौदा सोनीपत की हार से सबक नहीं ली, पंजाब के अंदर अब नगर निगम के चुनाव हुए, पंजाब में बीजेपी को साफ कर दिया, हर शहर में बीजेपी को साफ कर दिया। मैं धन्यवाद करता हूं पंजाब के मतदाता का, क्योंकि पंजाब के शहर के मतदाता ने दिखा दिया
कि अकेला नहीं है अन्नदाता, साथ में है पंजाब का, शहर का मतदाता। ये पंजाब ने दिखाने का काम किया, मैं पंजाब के मतदाता का धन्यवाद करता हूं। बहुत हौसला हुआ हमारा, मगर इन्होंने उससे भी सबक नहीं ली। इनको सबक तब मिलेगी जब इनको अपनी कुर्सी हिलती दिखेगी, इनको सबक तब मिलेगी जब चंडीगढ़ की और दिल्ली की कुर्सी पे खतरा आएगा, तब इनको, तब ये हरकत में आएंगे। इसीलिए आज हम आखिर में, मैं ज्यादा और लंबी बात ना करते हुए, बहुत बातें हैं कहने की, मगर जो मेरे दिल में दर्द है वो दर्द आप, मेरा ख्याल है आपके दिल में भी वही दर्द है, तो थोड़े कहे को आप भी ज्यादा समझते हो, समझते हो कि नहीं समझते हो मैं जो आप कहे को कह रहा हूं। तो भाई ये तो आखिर में दो तीन जो है रेजोल्यूशन कराना चाहते, जो अपने यहाँ पे आज पंचायत हुई है, सबसे पहले तो हम ये आज प्रस्ताव पारित करते हैं कि ये इस भगवान के सामने हम प्रार्थना करते हैं कि सरकार को, घमंडी सरकार को सद्बुद्धि दे, सरकार तुरंत किसान को दोबारा बातचीत के कि मेज पे दोबारा न्योता दे, क्योंकि 11वें राउंड में सरकार भागी थी बातचीत के, किसान तो 5 घंटे बैठे रहे थे, उनकी तो बेइज्जती हुई थी। 11वां राउंड के बाद टेलीफोन पे बता दिया था कि ऊपर से आदेश है बातचीत बंद, तो किसान को दोबारा बताए, बुलाया जाए बातचीत पे, सरकार अपना घमंड छोड़े, अपना अहंकार छोड़े, राजहट छोड़े और राजधर्म निभाए, अपनी प्रजा की बात माने। तो सबसे पहले तो भाई दोनों हाथ खड़े करके कि भाई भगवान इनको सद्बुद्धि दे, ये हम प्रस्ताव पारित करते हैं। दूसरा हम प्रस्ताव ये भी पारित करते हैं कि भाई शांतिपूर्ण इस संघर्ष में, अनुशासित इस संघर्ष में, जो संघर्ष जिसने केवल हिंदुस्तान नहीं, जिसकी गूंज पूरी दुनिया के कोने कोने में सुनाई दी, मगर दिल्ली के संसद में सुनाई नहीं दी, क्योंकि तो इस संघर्ष में हम पूरी तरीके से जो है भाई मन आत्मा से पूरी तरीके से हम अपने किसान के, हम छत्तीस बिरादरी मिलकर ये प्रस्ताव पारित करते हैं कि हम किसान के साथ हैं और ये लड़ाई, इसी संघर्ष, प्रजातंत्र में दो ही रास्ते हैं, और कोई रास्ता, और कौन सा रास्ता है हमारे पास? दो रास्ते होते हैं प्रजातंत्र में, एक तो शांतिपूर्ण संघर्ष जो किसान कर रहा है, और दूसरा जब मौका आए वोट की चोट से जो है जवाब देना। दो रास्ते हैं, तो सरकार को कहना चाहते हैं कि भाई हमारे इस संघर्ष को स्वीकार करते, हमारी बात को मानने का काम करें। अगर इस रास्ते से आप नहीं मानोगे, सीधे रास्ते से नहीं मानोगे, तो सीधे रास्ते पे आपको लेके आएंगे और वोट की चोट से आने वाले समय में आपको जवाब देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज पुरखास गाँव का, गन्नौर हल्के का बहुत बहुत, और पूरे जो है पूरे सोनीपत से, क्योंकि मैं देखता हूँ कि कार्यकर्ता आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 3 नारे लगा के अपनी बात मैं खत्म करूंगा। जय जवान किसान एकता, किसान मजदूर एकता, जय जवान, जय हिंदुस्तान।